भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर 31 अक्टूबर को मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान के नंबर 4 स्क्वाड्रन को अलविदा कह दिया। आईएएफ के मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमानों ने राजस्थान के बाड़मेर में उत्तरलाई शहर के ऊपर आखिरी बार उड़ान भरी। इस अवसर पर मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमानों ने SU-30 MKI के साथ उड़ान भरी। आईएएफ ने स्वदेशीकरण के प्रयासों को प्रोत्साहन देते हुए मिग-21 स्क्वाड्रनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बनाई है और उनकी जगह LCA Mark 1A फाइटर जेट्स को लाया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने रूसी मूल के पुराने विमानों को बदलने की वजह बताई थी। You are aware that last year also in the same forum I had said that we will stop flying the aircraft by 2025 and we will replace the MiG-21 squadrons with the LCA Mark 1A. So the same proposal is in place. 60 साल से अधिक समय से MiG-21 सेवा में थे और पिछले समय में ये विमान कई दुर्घटनाओं के शिकार हो चुके हैं। अगले 15 वर्षों में भारतीय वायुसेना के पास 40 LCA, 180 से अधिक LCA Mark 1A और कम से कम 120 LCA Mark 2 विमान होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।